हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिस्टम नेट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेल का इंस्पिरॉन 5440। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाल के रखी, 5430 है, वोस्टो 340 के साथ अलग अलग 14 इंच बहुत सारे वेरिएंट है। ये बेसिकली डेल का एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है, इस ईयर का मॉडल है बेसिकली 2024 का, और इसका जो मॉडल नंबर है 5440 के साथ है, 14 इंच का लैपटॉप है। आगे मैं इसका पूरा आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही डेल के नए नए प्रोडक्ट लेके आते हैं और कुछ अलग ब्रांड के भी लेके आते हैं, हमारे चैनल पे बने रहें। और हम ऐसे ही नए नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं। और अगर आपको ये लैपटॉप ऑन साइट पे चाहिए, अगर आपको डिलीवर भी चाहिए तो हम करवा सकते हैं, और किस स्टोर से हमने लिया उसका लोकेशन मैंने डाल के रखा है। तो चलिए करते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। के अंदर हमें तीन चीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे कि ये हमारा लैपटॉप है और ये वाली फ्रंट में आपको लिखा होगा, ये हमारी पावर केबल मिलती है और डेल का इसमें आपको जो एडाप्टर आ रहा है वो 65 वॉट का एडाप्टर आ रहा है, जैसे पुराने लैपटॉप में सभी में आता था। तो ये 65 का एडाप्टर के साथ है। अब मैं आपको लैपटॉप का लुक भी दिखा देता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ एक बार, लैपटॉप कवर से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार कलर डेल ने इस बार निकाला है, और ये जो कलर है बेसिकली ये आइस ब्लू कलर के साथ है, और टॉप कवर जो इसमें आपको मिल रहा है मेटल बॉडी के साथ मिल रहा है, तो टॉप कवर की बात करें तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको फ्रंट में डेल का देखने को लोगो देखने को मिल जाएगा सिल्वर कलर में, और ऊपर की टॉप कवर की बात करें तो बहुत अच्छा टॉप कवर है पूरे पुराने जो हमने 5430 लैपटॉप जो देखे थे। लैपटॉप की अगर बैक साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डबल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, पुराने जो लैपटॉप में था वो सिंगल एग्जॉस्ट आता था, और यहाँ पर आपको डबल देखने को मिल रहा है, तो कूलिंग वगैरह आपको अच्छी बनी रहेगी। और यहाँ पर आपको इंस्पिरॉन को लोगो देखने को मिल जाता है, ये प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है बैक साइड, आपको जो टॉप कवर वाला वो मेटल बॉडी के साथ है, और पीछे जो उसका जो नीचे वाला पार्ट है आपको प्लास्टिक के देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर क्वालिटी भी आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ कैसी क्या रहने वाली है। तो ओवरऑल बैक साइड थोड़ा सा अगर मेटल का होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बाकी ठीक है। चलिए एक बार हम लैपटॉप की लीड ओपन कर देते हैं, आपको फ्रंट का लुक दिखा देता हूँ कैसा लुक रहने वाला है लैपटॉप का। ये देखिए फ्रंट लुक इस तरह से देखने को मिलेगा, कलर बहुत ही अच्छा लगा बेसिकली मुझे पुराने लैपटॉप के जो सिल्वर कलर उस साइड में बोरिंग हो गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड वगैरह का लुकिंग बहुत अच्छा, ब्लैक कीबोर्ड है और आइस ब्लू कलर का ब्लैक कीबोर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ मॉडल ऐसे हैं भी जिसमें कीबोर्ड भी आपको आइस ब्लू वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो अलग मॉडल से। यहाँ पर ट्रैक पैड भी बहुत अच्छा बड़ा सा आपको देखने को मिलता है, जो छोटा नहीं है, डेल हमेशा बड़ा ट्रैक पैड ही देता है, तो इजी काम कर सकते हो आप। लैपटॉप की थोड़ी स्लिमनेस वगैरह दिखा देता हूँ आपको, स्लिमनेस वगैरह थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है और लाइट वेट लैपटॉप है। लैपटॉप का अगर वेट की बात करें तो 1.6 kg का आपको इसमें वेट देखने को मिलता है, तो और वेट भी ज़्यादा नहीं है और नॉर्मल चीज़ें पुराने लैपटॉप सबका सेम वेट ही है। तो देखिए फिंगरप्रिंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ 3 फिंगर डिलीट कर सकते हो। बैकलाइट कीबोर्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड बहुत अच्छी है, मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा, उसमें भी नाइट में मैंने जैसे यूज़ किया था। ट्रैक पैड भी जैसे मैंने बताया बहुत बड़ा ट्रैक पैड है, और लैपटॉप बहुत कुछ अच्छा है ये। तो चलिए लैपटॉप करते हैं हम ऑन। लैपटॉप का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस था वो भी मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था बेसिकली, जब मैं टाइप कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ रही थी और कंफर्ट भी फील हो रहा था कि जैसा जो हमें होना चाहिए वैसा कंफर्ट जोन है, टाइपिंग करने में भी आपको ऐसा अजीब नहीं लगेगा, तो टाइपिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस लैपटॉप में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिल रहा है वो i5 13th generation के साथ है, 1334U। ये कम कर दिया बेसिकली डेल ने, पहले से जो मॉडल आते थे 1335U के साथ आते थे, इसमें पता नहीं इन लोगों ने 1334U क्यों कर दिया है। और इसमें आपको 10 Core 12 Thread के साथ है, 16 GB रैम के साथ है, और ये 4400 MHz के साथ स्पीड मिल रही है, आप इसको 32 GB तक एक्सपांडेबल कर सकते हो। ये चीज़ थोड़ी सी मुझे अच्छा लगी कि रैम इसमें एक्सपांडेबल है और दोनों स्लॉट फुल रहेंगे इसमें आपको। अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करते हैं, इसमें आपको NVMe की 512 GB SSD का 4th generation के साथ देखने को मिलेगी, आई थिंक 5th generation करने देना चाहिए अभी तक तो। और वाईफाई में कनेक्टिविटी में भी डेल ने थोड़ा सा कम कर दिया, इससे पुराने जो लैपटॉप आता था उसमें वाईफाई 6 ही देखने को मिलता था, बट इसमें आपको सिंगल वाईफाई ही देखने को मिलता है।
और ग्राफिक वही हमारा इंटेल आई RX 60 ग्राफिक देखने को मिलता है, तो ग्राफिक भी आपको बेसिक ही देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स एंड स्लॉट में क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है विद नोटिफिकेशन के साथ, एक HDMI पोर्ट है, USB 3.0 है और यहाँ पे टाइप सी बट थंडरबोल्ट 4 नहीं है गाइस। तो ध्यान रखिएगा थंडरबोल्ट 4 नहीं है, इससे पुराने लैपटॉप में थंडरबोल्ट 4 आता था। तो एक साइड आपको ये चार पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, वही अगर हम उसके सेकंड दूसरी साइड के अगर पोर्ट की बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको पोर्ट मिल रहा है एक यहाँ पे USB 3.0 के साथ है, एक ऑडियो जैक और SD कार्ड का ऑप्शन हमेशा डेल देते ही है, और ये कि लॉक का ऑप्शन है बेसिकली छोटा सा आप देख रहे हैं या आप कहीं पे अपने लैपटॉप ऑफिस पर रखते हैं। तो फ्रंट में आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर कैमरा शटर भी हटा दिया है डेल ने, इससे पहले कैमरा शटर आता था जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कैमरा शटर नहीं है गाइस। तो अब चलिए एक बार हम कैमरा क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसकी कैमरा क्वालिटी आपके सामने ये है, और नॉइस कैंसलेशन वगैरह भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो मतलब ओवरऑल कैमरा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा पुराने लैपटॉप से। तो जैसे हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड ऑन करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर रिमूव माय बैकग्राउंड नॉइस इज ऑन हो चुका है। तो एक बार आपको यहाँ की वॉइस सुना देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, तो उसका आपको माय बैकग्राउंड नॉइस इज ऑन हो चुका है, इसमें देखिए ऑटोमेटिक मोड हो चुका है, तो नॉइस कैंसलेशन पर इसमें अच्छी है बेसिकली देखा जाए तो अभी जो आपने वॉइस सुनी थी वो बेसिकली लैपटॉप की वॉइस थी। मैंने यहाँ पे माइक्रो चेक किया तो माइक्रो ओवरऑल बहुत अच्छा है, पीछे जो फैन चल रहा था उसकी नॉइज भी नहीं आई थी यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था आपको लैपटॉप की बैकलाइट कीबोर्ड दिखा देता हूँ, देखिए बैकलाइट कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें आप F5 से आप प्रेस करके चालू कर सकते हो, दो मोड आते हैं नॉर्मल एक हाई मोड, तो आप जैसा वैसा कर सकते हो। तो मुझे तो बैकलाइट कीबोर्ड बहुत अच्छी लगी। तो हम एक वीडियो क्वालिटी की बात करते हैं, तो वीडियो क्वालिटी में इसमें आपको जो मिल रही है फुल HD प्लस देखने को मिल जाता है, और 60Hz का रिफ्रेश रेट है बेसिकली इसमें, तो हमें 120Hz मिलना चाहिए बट 60Hz से मिल रहा है, और WVA पैनल के साथ है, आप तीनों एंगल से देखोगे तो सेम व्यू ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, DC डायमंडिंग है, कम्फर्ट व्यू डिस्प्ले है, हार्मफुल ब्लू लाइट वगैरह रिड्यूस करता है। तो फीचर वाइज डिस्प्ले तो ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि डिस्प्ले ऑलवर्ड सभी लैपटॉप का सेम ही आ रहा है डेल का। अगर प्रीमियम सीरीज में अगर बात करें तो ये आप डिस्प्ले देख सकते हो, मैंने यहाँ 4K वीडियो प्ले करा तो मुझे तो डिस्प्ले अच्छा लगा, आप एक बार देख सकते हैं। लास्ट में आपको मैं इसका साउंड सुना देता हूँ, एक बार साउंड सुनिए, एक बार आप साउंड सुन ही सकते हैं वैसे क्या साउंड है इसका। लैपटॉप के अगर प्राइस की बात करो, उसमें जो प्राइस मिल रहा है 68,000 का प्राइस है, आपको अपने ऑफलाइन कहीं पे भी देख सकते हो, और उसमें विंडोज़ 11 आ रहा है और MS ऑफिस आ रहा है, 1 ईयर की ऑन साइड वारंटी है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।